तो सर आज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो मरते दम तक चलने वाली? सर मैं आज एक आपको ऐसा बिजनेस मॉडल बताने वाला हूँ जो कभी खत्म ना होने वाला बिजनेस है। जब तक ये दुनिया चलेगी ये बिजनेस चलना ही चलना है, जहाँ पर आप एक ही मशीन से 5 प्रोडक्ट बना सकते हैं। 5 प्रोडक्ट? जी, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट नहीं चलता, दूसरा ऑप्शन आपके पास है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, पांचों में से कुछ तो बिकेगा। राइट। और बिकना ही बिकना, सारी बिकने वाली चीजें हैं, बिकने वाली चीज़। जी, आपने लगा लिया तो आपको फुर्सत नहीं होगी, दिन रात आपकी मशीन चलेगी। ग्रेट। तो आगे सर है पूरा बताएंगे कि आपको कैसे अलग अलग जो टाइप के 5 प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बनाने हैं, कैसे बेचने हैं, रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है, प्रॉफिट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितने रहेगी, सब कुछ डिटेल जानकारी सर हमें देने वाले। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे इस बिजनेस के बारे में जो भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए सर बताइए फिर कैसे मशीन काम करती है, सब कुछ कैसे होता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मशीन में आप क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारे को रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। ये पेपर का रोल हमें चाहिए सबसे पहले। अब ये जो रोल है ये सिंगल प्लाई, टू प्लाई, उसके हिसाब से आता है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, पेपर के अंदर ये 2 प्लाई की रील है, तो 2 प्लाई का भी पेपर आता है, सिंगल प्लाई का भी आता है। इसमें अलग अलग क्वालिटी होती है पेपर की, सॉफ्ट पेपर, हार्ड पेपर, वर्जिन पेपर, रिसाइकल्ड पेपर, तो कई कई तरीके का पेपर आता है, उसी हिसाब से पेपर का रेट होता है। दूसरा जो रॉ मटेरियल लगेगा इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो होता है पेपर कोर, इसे पेपर ट्यूब भी कहा जाता है। तो रिवाइंडिंग जो होती है पेपर की वो इसी के ऊपर होती है। ये जंबो रोल जो है ये तकरीबन 200 किलो के आसपास आता है, 150 से 200 किलो। दो लोग मिलके इस पेपर रोल को, जंबो रोल को उठा के इसके ऊपर रख लेते हैं। फिर यहाँ लगाने के बाद पेपर को मशीन के अंदर इंसर्ट करा जाता है। ये जो आप यूनिट देख रहे हैं इसे एम्बॉजिंग यूनिट कहा जाता है। इससे पेपर के ऊपर डिज़ाइन आता है। जैसे ये अभी हमने इसके अंदर से इस पेपर को निकाला है तो पेपर के ऊपर डिज़ाइन आ गया। अगर आपको पेपर में एम्बॉजिंग नहीं करनी है तो आप सीधा डायरेक्ट पेपर को निकाल सकते हैं, जिससे आपका प्लेन पेपर बनेगा। पेपर की सेटिंग में भी जो है टोटल 5 से 10 मिनट लगते हैं और मशीन जो है स्टार्ट हो जाती है। आपको एक बार मशीन सेट करनी होती है, उसके बाद तो आपका प्रोडक्ट बनता रहता है ऑटोमेटिक। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, इसे हम कहते हैं परफोरेशन। टॉयलेट रोल को बीच में से अलग करा जाता, ये वो होता, इसका ब्लेड ये यहाँ लगा हुआ। पेपर कोर को इस पाइप के अंदर डाला जाता है। इस पाइप के अंदर डालने के बाद इस पाइप को मशीन के अंदर लगा दिया जाता है। मशीन के अंदर लगाने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करा जाता है और मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है। इसकी स्पीड यहीं से कंट्रोल हो जाती है, स्लो एंड फास्ट दोनों का ऑप्शन है। अब ये रोल कंप्लीट हो गया है, इस रोल को उठा के ऐसे आगे लेके आया जाएगा और यहाँ से ये हमने कटिंग के लिए ऑप्शन दे रखा है, ये इससे कटिंग हो जाएगी और ऐसे ही अब दूसरी कोर लगा दी जाएगी और उसके बाद ऐसे ही मशीन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। सर इस पे अभी कितने ग्राम पेपर चढ़ा हुआ है? सर ये तकरीबन 70 से 80 ग्राम पेपर है। ओके। एक रोल के हिसाब से मतलब 70 से 80 ग्राम होने का ये अपने आप मशीन, हाँ, मशीन अपना आप ऑटोमेटिक रुक जाएगी। फिर उसी तरीके से हम दोबारा उसके अंदर पेपर कोर को लगाएंगे। ये जो मशीन है बहुत साउंडलेस मशीन है, कोई वाइब्रेशन नहीं है इसके अंदर। और हमारी जितनी मशीनें हैं, जितनी मशीन हम बनाते हैं, सारा क्वालिटी मशीन ही हम बनाते हैं। हमारी मशीन में ऑनलाइन स्लिटिंग का भी ऑप्शन है। ये ब्लेड देख रहे हैं ना आप, इससे ऑनलाइन स्लिटिंग भी हो जाती है। मशीन की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो आप 4 से 5 हज़ार रोल पर शिफ्ट में आपके ये रोल बन जाएंगे। आप इसके अंदर, मैंने जैसे कि आपको बताया था, आप टॉयलेट रोल बना सकते हैं, किचन रोल, HRT रोल, JRT रोल। इसमें एम्बॉजिंग का ऑप्शन है, एम्बॉजिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि एम्बॉजिंग यूनिट लगा हुआ है, एम्बॉज होकर आ रहा है। आपको प्लेन बनाना है, प्लेन पेपर रिवाइंड हो जाएगा। परफोरेशन का सिस्टम है, रोल कितना मोटा कितना पतला, मतलब कितना हैवी रोल आपने बनाना है, उस हिसाब की भी इसमें एडजस्टमेंट पूरी है। सर इसमें जो ब्लेड की लाइफ है वो कितने दिन तक रहती है? सर ब्लेड की लाइफ बहुत है, ये 5-6 साल तक ब्लेड कहीं नहीं जाता अगर सही ढंग से यूज़ करा जाए तो। ब्लेड की बहुत अच्छी लाइफ है। ये जो एम्बॉजिंग रोलर आप देख रहे हैं ये भी हमने हार्ड क्रोम प्लेटिंग करा रखा है, इसका भी 8-10 साल कुछ नहीं बिगड़ता। आपको एमरजेंसी स्टॉप करना है, इंचिंग करनी है, आप यहीं से मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। और सर ग्रामेज हम लोग सेट कर सकते हैं इसमें? सर सब ऑप्शन है हमारे पास मशीन में, जितने ग्राम का आपने रोल बनाना है उतने ग्राम का रोल बन जाएगा और उसी पे स्टॉप होगा और हर बार उसी पे स्टॉप होगा। फॉर एग्जांपल आपको 100 GSM का बनाना है, 100 का बनेगा, 60 का बनाना है 60 का बनेगा, जितने GSM आप लेना चाहते हैं उतना ही बनेगा। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको 2 मशीन की ज़रूरत होती है। ये रिवाइंडिंग मशीन है, इस पर टॉयलेट रोल रिवाइंड होता है, रिवाइंड होने के बाद इस दूसरी मशीन पर जाता है, ये है स्लिटिंग मशीन। बड़े रोल को छोटे रोल में यहाँ स्लिट करा जाता है। ये वो रोल है जो अभी हमने उस वाली मशीन पर, रिवाइंडिंग मशीन पर रिवाइंड करेंगे। अब हम इस मशीन पर लाए हैं इस रोल को स्लिट करने के लिए। अब आपको दिखाएंगे किस तरीके से
यहाँ पे इसको टॉयलेट रोल में कन्वर्ट करा जा रहा है। ये इस तरीके से हम 4 इंची का टॉयलेट रोल भी बना सकते हैं और 8 इंची का किचन रोल भी हम बना सकते हैं। इसमें हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। सर ये वही रोल है जो अभी हमने इस मशीन के ऊपर रिवाइंड करा था और उस मशीन के ऊपर स्लिट करा है। ये स्क्रोल की आप क्वालिटी देख सकते हैं। ये रोल अभी हमने इसी मशीन पर बनाया है। अब ये हमारा रोल जो है मार्केट में सेल करने के लिए तैयार है। ये 4 इंची का रोल है। आप ऐसे ही 8 इंची का रोल बना सकते हैं, किचन रोल, JRT रोल भी बना सकते हैं और HRT रोल भी बना सकते हैं। ये देखिए सर कितनी आसानी से इसको फाड़ा जा रहा है। इसे परफोरेशन कहते हैं, ईजी कट भी आप इसे कहते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये कट रहा है। यही एक अच्छे प्रोडक्ट की निशानी है। देखिए आप इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी आ रही है, इसकी एम्बॉजिंग देखिए, इसकी परफोरेशन देखिए, यही बारीकियां मशीन की देखी जाती है। तो सर अभी हम लोगों ने देखा टॉयलेट रोल बनते हुए, बाकी और कौन से टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं जो आपने पहले बताया था कि हम लोग 5 टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं? सर HRT रोल, JRT रोल और काउच रोल। काउच रोल जो होता है वो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज होता है। कहाँ होता लगता है सर? जैसे पेशेंट के जो बेड होते हैं उनके ऊपर पेपर यूज करा जाता है, उसे काउच रोल कहते हैं। और JRT HRT क्या है? JRT रोल और HRT रोल सर ये रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ करे जाते हैं। और किचन रोल तो आपको पता ही है, तो घर में इस्तेमाल होते ही, और टॉयलेट रोल का भी इस्तेमाल आपको पता है। राइट। तो सर सबसे मेन बात आती है, अगर हमारे व्यूअर्स ये बिजनेस भी शुरू करते हैं तो इसमें लागत कितनी आती है टॉयलेट रोल बनाने की, और मार्केट में कितने तक बेचा जाता है? सर ये टॉयलेट रोल जो होता है इसकी लागत तकरीबन 8 रुपये के आसपास होती है, 7 से 8 रुपये, डिपेंड करता है पेपर की क्वालिटी किस हिसाब से है। 9 रुपए में बन जाएगा पूरा, आराम से इजीली बन जाएगा, और आप इसको 12 रुपए का आराम से बेच सकते हैं। और प्रॉफिट कितना होगा सर? सब प्रॉफिट हो गया ना, पर रोल 3 रुपए का प्रॉफिट आ गया, 2 से 3 रुपए का तो आपका आराम से बचेगा ही, और प्रॉफिट और बढ़ भी सकता है। सर इसकी जो डेली प्रोडक्शन है टॉयलेट रोल की, आप 4000 रोल इजीली बना सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ भी जाती है, 5000 तक भी जा सकती है, तो पर रोल पे आपको 2 से 3 रुपए इजीली बचेंगे। तो अगर 4000 भी प्रोडक्शन आई, 3 रुपए आपको बचे, तो तकरीबन 12000 रुपए का प्रॉफिट आपका पर डे का हो गया। सबसे मेन चीज़ है मार्केटिंग। मशीन तो ऑटोमेटिकली यार सब कुछ करती है, हम लोग तो आसानी से प्रोडक्शन निकाल भी लेते हैं कितना फिनिशिंग के साथ, बट मेन चीज़ सर हमेशा आती है सेलिंग में, मार्केट में मार्केटिंग करने में, सेलिंग करने में। उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी बेचने के लिए? आपका प्रोडक्ट की फिनिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, एम्बॉजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो सब आप उस चीज़ से बेफिक्र रहिए। वो चीज़ जो हम मशीन आपको बना के देंगे वो क्वालिटी की ही मशीन बना के आपको देंगे। टॉयलेट रोल तो आपको पता ही है सभी जगह बिकता है, आप होलसेल मार्केट में बेच सकते हैं, ऑफिसेज में दे सकते हैं, होटल इंडस्ट्री को आप दे सकते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर आप भर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत ऑप्शन है आपके पास। आप प्रोडक्ट तैयार कीजिए, आपके पास प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए, बिकिए इजीली जाएगा। सर सबसे मेन चीज़ इसमें यह है कि इन्वेस्टमेंट की, अगर हमारे व्यूअर्स को ये बिजनेस शुरू करना है टॉयलेट रोल बनाने का और बाकी के प्रोडक्ट्स बनाने का, एक ही मशीन से तो बन ही जाता है, तो इन्वेस्टमेंट कितने रहेगी पूरे प्लांट सेटअप करने? सर पूरा प्लांट सेटअप करने पे मशीन की कॉस्ट जो है, टॉयलेट रोल मेकिंग मशीन की जो कॉस्ट है वो है 3.5 लाख रुपये। अच्छा। प्लस इसके साथ एक स्लिटिंग मशीन लगती है, उसकी कॉस्ट है 1.5 लाख रुपये। अच्छा। तो टोटल प्लांट की कॉस्ट हो गई 5 लाख रुपये, GST अलग से होता है एक्स्ट्रा 18%। ओके। तो उसमें हम लोग एक ही प्लांट बाकी के प्रोडक्ट बना सकते हैं? हाँ, आप टोटल 5 प्रोडक्ट, डाय वगैरह कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो सब हम तैयार करवा देंगे आपके। 5 थोड़ी बहुत सेटिंग होती है, आपके 5 प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे, जैसे कि अभी आपको बताया था, टॉयलेट रोल, किचन रोल, JRT रोल, HRT रोल और काउच रोल। और सर मेन बात इसमें रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल मुझे कहाँ से मिलेगा? सर रॉ मटेरियल के लिए जब आप हमारे से जुड़ेंगे हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जो जेन्युइन मैन्युफैक्चरर हैं और जो जेन्युइन सप्लायर हैं उनसे हम आपको मिलवा देंगे, आप डायरेक्ट परचेज कीजिए। तो अगर आपको टॉयलेट रोल मेकिंग बिजनेस और बाकी के प्रोडक्ट्स बनाने का भी बिजनेस शुरू करना है तो सर के कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।